तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं एटीएम से कैसे पैसा निकालते हैं बहुत आसानी के साथ और बहुत ही सरल भाषा में। आइए आपको ले चलते हैं एटीएम के पास और सिखाते हैं कैसे एटीएम से पैसा निकालते हैं। आइए, ये देखिए एटीएम में मैंने जो है एटीएम कार्ड डाल दिया और ये एटीएम हमारा एटीएम को एक्सेस कर रहा है। यहाँ लिखा है प्लीज वेट करें, थोड़े देर वेट करें, फिर आपको जो है आगे क्या करना है इसके ऊपर भी दिखाएगा। देखिए मैंने एटीएम कार्ड ये लगा रखा है और ये प्रोसेसिंग हो रही है। डरने की कोई बात नहीं, एटीएम ऐसे लगे रहने देना है। देखिए यहाँ पे इंग्लिश आ गया, इंग्लिश को आपको जो भाषा आता है उसको क्लिक करेंगे। मैंने इंग्लिश को क्लिक किया तो ये देखिए इंग्लिश आया था। मैंने विड्रॉल पे क्लिक किया, अब सेविंग पे क्लिक करेंगे। सेविंग पे क्लिक करने के बाद ये देखिए आपको पैसा पूछ रहा है कितना आप निकालना है। मान लीजिए मैं 100 रुपये मुझे निकालना है तो मैंने 100 रुपये इसमें ऐड कर दिया। फिर करेक्ट पे क्लिक करेंगे, फिर ऊपर वाले को ही दबाएंगे, एस करेंगे। देखिए मैंने एस को, देखिए एस को प्रेस किया, ये कर लिख रहा है कि आप पिन डालें इसमें पिन, अपना पिन डालिए। जो भी आपका एटीएम मिला होगा तो पिन आपको मिला होगा, तो एटीएम पिन डाल के ओके करिए। ओके करने के बाद ये तुरंत लिखा है प्रोसेसिंग, मत थोड़ा वेट करिए, आपका ट्रांजेक्शन प्रोसेस हो रहा है। लेकिन यहाँ देखिए ये 100 रुपये इसमें है नहीं एटीएम में, मैं दूसरा अमाउंट डालता हूँ। देखिए मैंने 500 जो है बैलेंस डाला, अब करेक्ट पर क्लिक करेंगे। देखिए मैंने करेक्ट पर क्लिक कर दिया, अब ये प्रोसेसिंग होने लगा। आपको डरने की ज़रूरत नहीं, एटीएम जो पड़ा है आपका इसमें उसको उसी में रहने देना है, प्रोसेसिंग के दौरान एटीएम को निकालना नहीं है। ये देखिए प्रोसेस हो रहा है, लिखा है प्लीज वेट, थोड़ा इंतज़ार करें। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए अभी तक प्रोसेसिंग हो रहा है, देखिए प्लीज वेट विल योर ट्रांजेक्शन इज बींग प्रोसेस, आपको वेट करना पड़ेगा थोड़े देर। और ये जस्ट नीचे देखिए जो कीपैड है, कीपैड के नीचे ही पैसा निकलता है, ये अभी तक प्रोसेस कर रहा है, थोड़ा वेट करना पड़ता है, कभी कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम। अब ये देखिए ये पैसा निकल गया, पैसे को मैंने ले लिया। फिर यहाँ पर्ची साइड में आती है, पर्ची को ले लेंगे, वहाँ कैंसिल, ये भूलना कभी मत भूलिएगा, आपको कैंसिल लाल बटन होगी कैंसिल लिखा होगा उसको दबा देना है और अपना पर्ची ले लेना है। पर्ची ले लेने के बाद यहाँ लिखा है कंटिन्यू करें या कैंसिल करें, कैंसिल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका एटीएम ऑटोमेटिक छूट जाएगा और निकाल लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।